अखिलेश समेत तमाम नेता अब क्यों कहने लगे नीतीश अगर इंडिया के साथ होते तो भावी प्रधानमंत्री की रेस में होते। नीतीश की पलटीबाजी पर अखिलेश के बोल क्यों नहीं है सख्त, क्यों अब भी नीतीश के लिए सम्मान भरे शब्दों का कर रहे इस्तेमाल। नीतीश की पलटीबाजी का यूपी की राजनीति में क्या होगा असर, क्या पूर्वांचल में पिछड़ती बीजेपी को सपा से लड़ने का मिल गया मौका। नीतीश कुमार अब भी बिहार के मुख्यमंत्री, बस अंतर यह है कि इस बार महागठबंधन से नहीं बल्कि एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसा होने के साथ ही एक सवाल उठने लगा, क्या नीतीश के एनडीए में आने से यूपी के पूर्वांचल की सियासत पलटेगी। इस सवाल की ओर जाने से पहले यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट को गौर से देखिएगा। अखिलेश लिखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है जिसने साजिश कर एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक सीमित कर दिया। अब तक अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में नीतीश के पीएम बनने को लेकर कोई बात नहीं कही थी, अब क्यों कहने लगे। जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो इसका इस सवाल से क्या कनेक्शन हो सकता है, नीतीश के एनडीए में आने से यूपी के पूर्वांचल की सियासत पलटेगी। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, बात समझ जाएंगे। नीतीश के इंडिया गठबंधन में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने का मंसूबा पाल रखा था। इसके लिए पूर्वांचल से उन्हें चुनाव लड़ाने की भी रणनीति थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर नीतीश एनडीए का हिस्सा बन गए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए जेडीयू ने यूपी में अपना सियासी विस्तार करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार को पूर्वांचल की फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भी दिया था। नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव ने भी हरी झंडी दे दी थी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी की आरएलडी और पूर्वांचल में नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे रणनीति बनाई थी। नीतीश कुमार के सहारे अखिलेश की स्ट्रेटेजी कुर्मी समुदाय के वोटों को साधने की थी। कुर्मी समुदाय यूपी में बीजेपी के साथ है, उनके सहयोगी अनुप्रिया पटेल के भी साथ है और इसके साथ बीजेपी के विरोधी और अखिलेश के सहयोगी पल्लवी पटेल के साथ है। यूपी में यादव के बाद कुर्मी ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम भूमिका में है। अब अखिलेश के साथ यादव मुस्लिम समीकरण के साथ कुर्मी समाज के जुड़ने से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत का फॉर्मूला माना जा रहा था, जो बीजेपी को पूर्वांचल में कई सीटों पर टेंशन देने जैसा था। ऐसे में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया जाता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुल होने से भले ही बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव कामयाब हो जाए, लेकिन पूर्वांचल की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए बीजेपी के यूपी में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आधार पूर्वांचल के इलाके में है, वो चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना थलेस। इसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी एनडीए के साथ है, जिसका आधार पूर्वांचल में ही है। ये तीनों पार्टियां ओबीसी में अपनी अपनी जातियों की राजनीति करती हैं। कहा जाता है अखिलेश नीतीश कुमार के साथ मिलकर यूपी में अपना सियासी एजेंडा सेट करना चाहती थी। नीतीश की 24 दिसंबर 2024 को पूर्वांचल में होने वाली रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उपस्थिति रहने का प्लान था, लेकिन रैली की जगह न मिलने के चलते रद्द हो गई। सपा इस बात को बखूबी समझ रही थी कि कांग्रेस के साथ लेने का फायदा सिर्फ मुसलमानों के वोट तक है, जबकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में साथ रहने से यूपी में बीजेपी के कोर वोट बैंक बन चुके कुर्मी समुदाय को साधने का प्लान था। नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं उसकी बड़ी आबादी यूपी के पूर्वांचल में है। यूपी में कुर्मी मतदाता करीब 6% और 5% कोयरी समुदाय से हैं। यादव मतदाता भी सूबे में 10% के करीब हैं, तो मुस्लिम 20% 30% अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक हैं। नीतीश बिहार में कुर्मी कोयरी और अति पिछड़ी जाति की सियासत करते आ रहे हैं और उसी फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने यूपी में अमलीजामा पहनाने और बीजेपी को मात देने की स्ट्रेटेजी बनाई। बहरहाल नीतीश कुमार फिलहाल कुर्मी समुदाय के इकलौते नेता हैं जो अपने समाज के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कुर्मी समुदाय में नीतीश के कद का कोई दूसरा नेता नहीं। ऐसे में सपा की रणनीति थी कि नीतीश के चुनावी मैदान में उतरने से कुर्मी समुदाय के बीच अलग जोश हो सकता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल के जिन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा उनमें जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और श्रावस्ती संसदीय सीट पर कुर्मी वोटर अहम रोल में हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को कुर्मी बहुल कई जिलों में करारी मात खानी पड़ी, जिसमें अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर जिले जैसे शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर बिहार के साथ यूपी के कुर्मी बहुल इलाकों में भी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला। अब देखना होगा मोदी शाह की रणनीति को अब यूपी में किस तरह से अखिलेश मात देते हैं।